हमास इसराइल के बीच भीषण युद्ध जारी है। गाजा पट्टी स्थित हमास आतंकी समूह ने 7 अक्टूबर को इसराइल के पवित्र त्योहार के दिन 5000 रॉकेट दागे, जिसके बाद से ही दोनों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। हमास के अस्तित्व को खत्म करने की मंशा से इसराइल ने भी गाजा पट्टी पर जमकर रॉकेट दागे। इस युद्ध में दोनों पक्षों से बड़ी संख्या में मौतें हुईं। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा की गई हरकत की दुनिया भर में आलोचना की गई। इस दौरान गाजा से सटी सीमा पर लगे फेंसिंग को तोड़कर हमास के आतंकी ने इसराइल के शहरों में घुसपैठ की। इस दौरान हमास के आतंकियों ने कई इसराइली नागरिकों को बंधक बना लिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। हमास के आतंकी अब बंधक बनाए गए लोगों का सहारा ले रहे हैं। बंधकों के समय समय पर हमास द्वारा वीडियो जारी किए जाते हैं। हमास वीडियो के जरिए इसराइली सेना पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हमास ने फिर से एक ताजा वीडियो साझा किया है, जिसमें 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के दौरान बंधक बनाई गई 3 महिलाओं को दिखाया गया, जिसमें इसराइल के पीएम नेतन्याहू को संदेश देते हुए महिला को सुना गया, जिसमें बंधक बनाई गई महिला कहती है कि पीएम नेतन्याहू, हम जानते हैं कि युद्ध विराम होना था, आपको हम सभी को रिहा करवाना था, लेकिन ऐसा न हो सका। इस बीच हमास के हमले के दौरान बंधक बनाई गई महिला सैनिक को गाजा में उसके जमीनी अभियान के दौरान रिहा करा लिया गया। इसराइली सेना की ओर से यह जानकारी सामने आई है। इसराइल हमास युद्ध पर इसराइल सरकार के प्रवक्ता एलोन लेवी ने कहा कि आने वाले दिन ज्यादा कठिन होने वाले हैं। इसराइल हमास को पूरी तरह से ही खत्म कर देगा। कठिन समय पर भारत के समर्थन पर एलोन लेवी ने कहा कि हम मित्रों और सहयोगियों से अधिक राजनयिक समर्थन चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम भारत के समर्थन की सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच की बातचीत हुई है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF के टैंक गाजा शहर के मुख्य सड़कों पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टैंकों को सलाह अल दीन मार्ग पर देखा गया, जो उत्तर में गाजा शहर को गाजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनिस से जोड़ता है। विशेषज्ञों की माने तो IDF धीरे धीरे गाजा में अपने जमीनी ऑपरेशन का विस्तार कर रहा है। IDF ने कहा कि गाजा पट्टी में चल रहे जमीनी ऑपरेशन में सैनिकों ने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को हमास पर हमला करने का निर्देश दिया गया। टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों ने चौकियों को भी ध्वस्त कर दिया है। सेना पिछले कुछ घंटों से गाजा पट्टी में अपना जमीनी अभियान जारी रखे हुए है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।